आज सुबह सुबह जैसे ही मैं बाहर निकली तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है कि बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही है। पहाड़ों में बादल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और सामने जोशीमठ के पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। तापमान बहुत ही कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही है। और देखिए यहाँ मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही खुशनुमा है, पर फिर भी केशु सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल गई है और अपने स्कूल जा रही है। मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पर चले गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आकांक्षा तिवारी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और पहाड़ों पे बर्फबारी हो चुकी है और बहुत प्यारी धूप खिली हुई है। और पीपलकोटी में भी बहुत कम चहल पहल है क्योंकि चार धाम यात्रा बंद हो चुकी है। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं। ठंड में अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो बर्फ पड़ ही जाती है। पहाड़ों पे बर्फ गिरने से उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। और पहाड़ों की ठंड का मजा तो डुग्गू भी ले रहा है। वो भी अपनी नींद पूरी कर रहा है और ठंड में कोई भी कोना पकड़ के जल्दी से सो जाता है। देखिए थोड़ी सी आवाज लगाने पर उठ जाता है और जैसे ही उसका मन करता है खेलता है कूदता है और फिर से सो जाता है। आई लव यू, कहाँ जा रहे हो? दोस्तों आज मेरे 2-3 जरूरी काम है जिसमें से सबसे ज़रूरी काम है घर में सीसीटीवी कैमरा लगना। तो चलिए चलते हैं सीधे अब घर के अंदर। सुबह सुबह दोस्तों आप घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं क्या हो चुका है। तो चुटकी बजाते ही हम इसे करते हैं साफ। और भैया लोग भी फाइनली पहुंच गए हैं। चलो फाइनली सीसीटीवी कैमरा लग गया। दिन भर की थकान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है शाम की वॉक करना। तो देखिए शाम को पीपल कोटी कैसा नजर आता है। अभी पर्यटकों की उतनी भीड़ नहीं है, मार्केट में इतनी चहल पहल भी नहीं है। चार धाम यात्रा के समय बहुत भीड़ भाड़ होती है। आजकल रात का तापमान 3 डिग्री तक चला जा रहा है, आप समझ ही सकते हैं यहाँ कितनी ठंड हो रही होगी। बाकी आजकल जो लोग बर्फ देखने के लिए पहाड़ों पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं क्योंकि आजकल अच्छी बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पर। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग पूरा करती हूँ। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।